हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि जब कोई आपको छोड़ दे, यानी कि ब्रेकअप कर ले आपसे, तो आज मैं उसके बारे में बताऊंगी। यानी इंसान की ज़िंदगी में एक लम्हा कभी ऐसा आ जाए, कोई आपको छोड़ दे, कोई आपको छोड़कर चला जाए, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा होता है कि वो शख्स जो हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, जिसको हमने सबसे ज़्यादा प्यार किया होता है, जो हमारी लाइफ का सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा होता है, यानी वो शख्स जिसके लिए हमने हर पल उसकी याद में गुजारा होता है और हम उसको बहुत प्यार करते हैं, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा हम उससे प्यार करते हैं, उससे ज़्यादा अटैच होते हैं। यह ऐसा होता है कि मतलब हर लम्हे हमें उसकी याद आती है, यानी ये समझ लीजिए कि बिल्कुल वो हमारी ज़िंदगी का एक ख़ास जीने का मकसद हो जाता है। हमने ना जाने कितनी हज़ारों बातें उससे शेयर की होती हैं, अच्छी ख़राब बुरी सब तरह की बातें उससे शेयर की होती हैं, और वो शख्स हमें छोड़ दे, यानी जिसके साथ हमने हंसी खुशी गुजारने की बहुत सपने देखे होते हैं और अपनी लाइफ गुजारने की बहुत ज़्यादा लंबे सपने देखे होते हैं, और आने वाले फ्यूचर के लिए भी कि हम इससे शादी करेंगे या हम इसके साथ पूरी लाइफ गुजारेंगे, यानी वो शख्स जिसके लिए हमने हर बात को हमने ठुकरा दिया होता है, सिर्फ़ उसकी खुशी में हमारी खुशी होती है, और जब वो शख्स हमें छोड़ दे तो हमारे दिल पर क्या गुजरेगी। इसके लिए आज मैं बताऊंगी कि अगर वो शख्स जो आपको दुनिया में सबसे प्यारा हो, जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, वो आपको छोड़ दे, तो आपको क्या करना चाहिए। मैं तो आपसे ये कहूँगी कि आप उसकी याद में बहुत रोएं, बहुत ज़्यादा उसको याद करें, बहुत रोएं, बहुत ज़्यादा याद करें, यानी यहाँ तक आप ऐसा करें कि खाना पीना भी छोड़ दें, बहुत याद करके उसको खाना पीना छोड़ दें, उसकी फ़ोटो रख लें, उसकी पिक बार बार देखें, लेकिन सिर्फ बस 2 days, यानी 2 दिन आप 2 दिन उसको बहुत याद करिए, और तीसरे दिन आप उसकी लाइफ में से बिल्कुल अपने आप को निकाल कर फेंक दें। यानी जिस तरह दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं ना, इसी तरह आप उसको अपनी लाइफ में से, ज़िंदगी में से निकाल कर फेंक दीजिए। उसके सारे फ़ोटोज़, उसकी सारी पिक वगैरह जो भी आपके पास हो, यानी व्हाट्सएप पे हो या फेसबुक पे हो या गैलरी में हो या आपके पास हो उसकी तस्वीरें, वो सब आप फाड़ दीजिए। क्योंकि वो शख्स जो आपको छोड़कर चला गया, वो आपके काबिल था ही नहीं, उसे आपसे प्यार था ही नहीं। अगर उसको आपसे प्यार होता तो वो कभी नहीं छोड़ कर जाता, वो आपको कभी नहीं छोड़ता अपनी लाइफ में। यानी वो शख्स जिसको आपने सबसे ज़्यादा प्यार किया और वो आपको छोड़ कर चला गया, तो ज़ाहिर बात है वो आपके काबिल था ही नहीं। अगर वो आपको छोड़ कर नहीं जाता तो तब था वो आपके काबिल, और अगर छोड़ कर चला गया तो वो आपके काबिल नहीं है। यानी आप जैसे इंसान को, जिसने अपने आप का जीने का मकसद ही उसको बना लिया था, यानी ना जाने कितनी बुराइयां आपने उसकी खातिर मोड़ ली और कितना टाइम उसके साथ स्पेंड करा और कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ आप उसके साथ एंजॉय किया होगा, वो सब आप वो भूल कर आपको छोड़ दिया, तो यानी वो शख्स आपके काबिल है ही नहीं। उसको अपनी लाइफ में से बिल्कुल निकाल दीजिए, बिल्कुल भूल जाइए। और भी तो कुछ है आपकी लाइफ में, आप उनको देखिए, आप अपने पेरेंट्स से मिलिए, उनसे बात करिए, आपके फ्रेंड्स हैं उनसे बात करिए, यानी अपने माइंड को आप दूसरी तरफ लगाइए, उसको बिल्कुल अपने माइंड से निकाल कर फेंक दीजिए, वो आपकी दोस्ती के काबिल नहीं था। और मोस्ट वेलकम करिए आने वाले दोस्त का, यानी अगर वो आपकी लाइफ में से चला गया तो इसमें भी कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतरी थी। अगर आपकी मैरिज हो जाती, वो जब आपकी लाइफ में से जाता, तो कितना अफसोस होता ना आपको, कितना दुख होता।
तो अगर वो अब चला गया तो ये आपके लिए बेहतर है, यानी उससे ज़्यादा बेहतर, उससे ज़्यादा प्यार करने वाला दोस्त आपकी लाइफ में आएगा, जो सिर्फ आपसे और सिर्फ आप ही से प्यार करेगा और वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। तो क्यों हम उस दोस्त के खातिर अफसोस करें, क्यों हम उस दोस्त के खातिर गम करें जो हमें छोड़कर चला गया, वो हमारी दोस्ती के काबिल ही नहीं था, उसको अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं आने दें दोबारा। यानी जो हमें छोड़कर चला गया वो हमारे काबिल था ही नहीं, आपके काबिल नहीं था वो, इसलिए वो हमको छोड़कर चला गया। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, क्योंकि जो जाने वाला होता है ना। और हाँ एक बात और मैं आपसे कहूँगी कि उसकी बुराई अपने दोस्तों से ना करें, उसके बारे में जिक्र ही नहीं करें, क्योंकि जब आप जिक्र करेंगे या बात करेंगे तो ज़ाहिर बात है आपको उसका ख्याल आएगा, उसकी बातें याद आएंगी। तो इसलिए दोस्तों से उसकी बुराई भी नहीं करिए, बस वो ऐसे हो जाइए आप जैसे वो आपकी लाइफ में था ही नहीं, आपकी ज़िंदगी में था ही नहीं कोई, यानी और कोई आएगा आपकी लाइफ में जो आपको खुशियाँ देगा, आपकी ज़िंदगी में बहारें लाएगा। जी हाँ, तो हम उस दोस्त के लिए क्यों याद करें जो हमारी लाइफ में से चला ही गया, जिसने हमें छोड़ दिया, चाहे रीज़न कोई भी हो, वजह कोई भी हो उसको छोड़ के जाने की, लेकिन छोड़ तो दिया ना उसने आपको, तो इसलिए आप उसको बिल्कुल याद नहीं करें। आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ और बहारें लाएं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है या कोई उसे छोड़कर चला जाता है तो लोग बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाते हैं, अपनी ये समझ लीजिए उसके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं उसकी वजह से, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसकी वजह से परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे को क्या हो गया, ये इतना गमगीन रहने लगा, इतना उदास रहने लगा। और बाज़ वक्त तो ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या यहाँ तक लोगों को देखा है कि कुछ ऐसे होते हैं कि वो खुदकुशी करने की भी सोचते हैं। तो आप बिल्कुल नहीं सोचिए, ये सब बेकार और बेफजूल की बातें हैं। यानी जो दोस्त छोड़ देता है वो आपके काबिल नहीं होता, जो आप जैसे इंसान को छोड़कर चला गया वो आपके काबिल है ही नहीं। तो हम क्यों उसके लिए ऐसा सब कुछ करें, यानी अपने आपने उसके लिए टाइम भी स्पेंड करा, बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा, अपनी ज़िंदगी का जो कीमती टाइम था आपने उसको दिया, और बहुत मतलब सब कुछ किया आपने उसके खातिर, लेकिन तब भी वो आपको छोड़कर चला गया। तो ज़ाहिर बात है वो आपसे प्यार नहीं करता है, आपसे उसको कुछ नहीं है इसलिए वो आपको छोड़कर चला गया। तो फिर हम ऐसे शख्स के लिए क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करें, क्यों हम अपनी ज़िंदगी ख़राब करें। हम तो अपनी ज़िंदगी को, जो ज़िंदगी एक बार हमें मिली है क्यों ना हम उसे खुशी खुशी जिए, बार बार थोड़ी मिलेगी हमें ये लाइफ। तो हम दूसरे इंसान के लिए, और वो भी उस बेवफा इंसान के लिए जिसने हमें छोड़ दिया, हम उसके लिए अपनी लाइफ ख़राब करें, हरगिज़ नहीं, कभी नहीं करनी चाहिए। हमें तो मोस्ट वेलकम करना चाहिए आने वाली अपनी लाइफ का, जो हमारी आने वाली लाइफ है उसके लिए हमें मोस्ट वेलकम करना चाहिए। कोई ना कोई आपके लिए ज़रूर बना है, और पूरी दुनिया में ऊपर वाले ने हर इंसान के लिए इतनी खुशियाँ दी हैं, इतनी खुशियाँ दी हैं कि इंसान बटोर नहीं सकता। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जाने वाले का बिल्कुल गम ना करें, आने वाली खुशियों को मोस्ट वेलकम करें जो हमारा रास्ता देख रही हैं। ये ज़िंदगी हमारी है, यह लाइफ हमारी है, हमें जीना है, हमें अपने लिए जीना है, अपने पेरेंट्स के लिए जीना है, किसी और के लिए नहीं जीना, सिर्फ उस शख्स के लिए जो हमें प्यार करे। यानी हम उससे प्यार ना करें बल्कि वो हमसे प्यार करे तो हम उसके लिए जिएंगे। दोस्तों फ्रेंड्स, अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय।